So yo, what's happening guys, my name is Sudarshan Singh and you are watching our channel through this vlog. और guys, अभी दादाजी और मनीष जो है जा रहे हैं भिंडिया तोड़ने, साथ साथ है बड़ी बड़ी, तो अपन भी चलते हैं देखते हैं। दो भिंडिया निकाल चुके हैं कितनी बड़ी बड़ी, और अभी निकाल रहे हैं तीसरी। ओ भाई साहब, ये मेरे को मजा आएगा भाई देखने में। ये देखो कितनी बड़ी है। ओ एक और ही, एक ये रही और एक उधर भी, वो रही देखो नीचे, ये रही देखो कितनी बड़ी है। वो भी तोड़ेंगे, सब तोड़ेंगे, सात आठ है बड़ी बड़ी। एक उधर देखो वो पड़ी। इतनी जो है भिंडिया निकल चुकी है पूरी बड़ी बड़ी, बाकी छोटी है इसलिए हम वो निकालते हैं। तो ये है गाइस जो हमने काटी है, और बाकी हमने इसलिए नहीं काटी क्योंकि बाकी जो है अभी देखो इतनी छोटी है, ये देखो बाकी सब छोटी है, अभी वो बड़ी होंगी तब उनको काटेंगे। सो गाइस अभी बज रहे हैं 11:30 और सुबह का मौसम जो है, अभी मैं फ्री बैठा हूँ और सुबह का मौसम जो है बिल्कुल धूप थी, और अभी जो है खतरनाक वाली बारिश आ रही है बाहर, मतलब खतरनाक वाले बादल है और बारिश थोड़ी अभी धीमी है, तो इतनी तेज है नहीं। तो अभी आपको दिखाते हैं यार बाहर का वेदर कैसा है, तो चलो लेट्स गो। सो गाइस अभी सुबह सुबह जो है एकदम गर्म हवा चल रही थी, मतलब धूप, गर्म हवा नहीं चल रही थी, हवा तो ठंडी चल रही थी पर धूप जो है निकली हुई थी। अब 11 बजे हैं और 11 बजे देखो फिर से आज बादल छा गए हैं, और आज का भी वेदर जो है ऐसा ही लग रहा है मेरे को कि आज जो है बारिश आने वाली है फिर से, क्योंकि चारों तरफ अभी बादल बादल हो गए हैं फिर से। ये देखो पूरे चारों तरफ जोधपुर के ऊपर, अरे बारिश भी आने लगी मेरे ऊपर, इधर एक गिरी बूंद, तो मेरे हिसाब से तो बारिश आएगी, और चलो देखते हैं आती है कि नहीं। चारों तरफ बादल ही बादल, एक भी तरफ वो नहीं है, धूप की किरण नहीं है एक भी तरफ, चारों तरफ बादल ही बादल है पूरे ऊपर तक। सो गाइस अभी मेरे को लग रही है भूख, तो अपन नीचे चलते हैं कुछ देखते हैं, खाने पीने के लिए कुछ सामान वामान लेके आते हैं, या फिर अगर घर पे पड़ा होगा तो यार मस्त मजा आ जाएगा। सो लेट्स गो कुछ खाते पीते हैं। गाइस इट्स रेनिंग, ये देखो अभी मैं नीचे ही जा रहा था, नीचे वाले फ्लोर पे आया था ऊपर से, और अभी जो है बारिश शुरू हो चुकी है। यू कैन सी देखो गिरने शुरू हो गए हैं, अब बस देखते हैं कब तक पूरा फुल आता है बारिश, फुल आती है बारिश। मनीष तो ऊपर ही अभी, और ये देखो ये मैं इसको आपको वो कराता हूँ, परिचय कराते हैं। वैसे आपने मनीष के ब्लॉग में तो देख लिया, फिर मैं ऊपर से बताता हूँ। ये गाइस हाइड्रोपोनिक खेती है, और हाइड्रोपोनिक खेती में देखो कितने बड़े बड़े हमारे हो चुके हैं सारे पेड़ पौधे, वो देखो सबसे बड़ा याद ये वाला हुआ है, बहुत बड़ा हो गया। और इधर ये जो है ना, ये इसको गोबर मत समझ लेना, नहीं गोबर नहीं है, ये है कोको पीस्ट को जो है ये है ना नीचे वाला काला सा, ये है कोको पीस्ट, मतलब नारियल का बुरादा, ठीक है। उसके ऊपर जो है ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और ये उग रहे हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक तो वैसे पानी में करते हैं, हमारे पास यहाँ पे मिट्टी नहीं थी, और ना ही नीचे गार्डन में थी, ना ही इधर थी, जगह नहीं थी, तो इसीलिए हमने जो है नीचे स्पंज रख के कोको पीस डाल के इधर भी कर सकते हैं, तो हमने देखा यूट्यूब पे तो हमने भी लगा ली, और इतने बड़े बड़े हो गए हैं ना गाइस, ये देखो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा हरा हो रखा है। सो गाइस बारिश तेज हो चुकी है, तो मनीष को भी नीचे बुलाते हैं। ओए हेलो, पुतला बन के खड़ा है, देखो सुनिए किसी की बात, हेलो भाई नीचे ठंड लग जाएगी, तो सही पहले ही कोविड का टीका लगवाया, चलो। तो गाइस ये देखो जैसे हम नीचे आए और जैकी लेटा हुआ था, मम्मी इसके कंघी कर रहे थे, देखो कैसे मसाज करा रहा है ना। हेलो जैकू बस देखो भाई फैल गया
जैकी फैल गया। सो गाइस आज जो है हो रही है बाहर बारिश और मौसम रखा है ठंडा, इसलिए आज मैं यही बिस्तर में बैठ के खाने वाला हूँ। और आज बनी है पूड़ियाँ, क्योंकि मैंने बोला था मम्मी को आज मस्त हुआ था, मौसम रखा है, इसलिए आज पूड़ियाँ बनी हैं। पूड़ियाँ हैं और साथ में है आलू, गाजर और मटर, मस्त वाला खाते हैं एकदम गर्मा गर्म। लेट्स गो, आप ही खाइए। सो गाइस देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर तो कहीं बैठ नहीं सकते, धूप है नहीं, बारिश हो रही है और इतनी ठंड है। तो अभी दोपहर के समय पे खाना खाने के बाद में इंजॉय किया जा रहा है, गेम चालू हो चुकी है, अभी आंसू लोग यहाँ पे खेलेंगे, पाउडर डल चुका है और हम पैर भी चुके हैं और ये मेरी पहली गिटी चली भी गई। फेंका तो मैंने, तो मेरे में ओ भाई बैठा कौन है इधर। चलो अभी देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। गिटियां फैल चुकी है गाइस, अभी देखते हैं मनीष डाल पाएगा कि नहीं। ई का है। चलो बारी चलो, नहीं तो हम तुम वीडियो शूट करते रह जाओगे, हम आगे चल देंगे। चलो हम खेलते हैं अभी। सो गाइस वेदर फॉरकास्ट में तो लिखा था आज का जो है वेदर फॉरकास्ट हमने देखा था वो था ये कि सुबह धूप निकलेगी और शाम को जो है बारिश होगी, पर यहाँ तो उल्टा हो गया भाई। सुबह बारिश हुई थी और अब धूप हो रही है, और अब धूप देखो कितनी हो रही है। वैसे आपको पता लग ही गया होगा कितनी धूप हो रही है, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा धूप हो रही है बारिश पड़ने के बाद। ऐसा लग नहीं ना कि बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ के हटी है, ऐसा लग रहा है कि कल की बारिश पड़ी उसका पानी जमा है। कड़ाकेदार धूप, ये धूप और बाकी ये देखो पूरी गली पानी से लथपथ एंड तक। और अभी बारिश पड़ने के बाद बहुत कड़ाकेदार धूप निकल चुकी है। जो सोचा नहीं था वो मिल गया। सो गाइस हमको मिल चुका है हमारा अपना खुद की मेहनत से, कैमरा उठा लूं, हमारा अपना खुद की मेहनत से कमाया हुआ कम्युनिटी टैब। हो भाई साहब यार मजा आ गया। अभी जस्ट मैं अपने एनालिटिक्स चेक कर रहा था फ़ोन पे, और जहाँ पे प्लेलिस्ट और चैनल के बीच में एक गैप बचा हुआ था वो गैप पूरा करना था, जो कि 500 सब्सक्राइबर के बाद में हो जाता है। उस गैप को पूरा करने के लिए 7 दिन लग गए गाइस, और इतना इंतज़ार करने के बाद में फल मिल गया। और वो फल ये था कि हमको मिल चुका है हमारा अपना खुद का कम्युनिटी टैब। और गाइज अब जो है जैसे ही कोई मस्त सा व्लॉग आएगा तो उससे पहले ही आपको जो है पता चल जाएगा कि वो क्या आने वाला है, थोड़ा सा टीज़र वगैरह दे सकते हैं हैं। तो अब जो है यार मज़ा आने वाला है, अल्टीमेट लेवल के व्लॉग्स आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल का आइकन दबा देना अगर अभी तक नहीं दबाया है तो। और मज़ा आ गया भाई, और पंछी उड़, अगर मेरे पास पर होते ना मैं उड़ उड़ के आधा वापस यार मज़ा आ गया। इसे कहते हैं मस्त मज़ा। और ऐसे ही आप अगर सपोर्ट करते रहोगे तो हमको जो है बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और जो है और अच्छे अच्छे धमाल धमाल व्लॉग जो है हम लाने वाले हैं आगे। सो हमारे तो यार कितनी बार सब्सक्राइब बोलूँगा यार, कर दो। सो गाइस इसी व्लॉग को मतलब बस एक लास्ट थैंक यू ही कहना था आपको, इसीलिए मैं इतना पंछी की तरह उड़ा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और कम्युनिटी पोस्ट पे आज मैंने डाली है, नहीं कल डाल दी थी, क्योंकि ये व्लॉग जो है कल आने वाला है। मतलब आप तो अभी देख रहे हो, मतलब कल देख रहे हो, आप देख रहे हो 8 तारीख को ये व्लॉग शूट हुआ, 7 तारीख को। तो 7 तारीख को हमको मिल चुका था कम्युनिटी टैब, और अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत से लिया है यार मस्त।
सो बस ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।